चैनल किंग्समैन ई हब पर उत्तर प्रदेश के सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों का बहुत बड़ा स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, बहुत ही खुशी की बात है, एक खुश भरी खबर है जो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो जैसा कि जो है शासन का आदेश आया है, जैसा कि शासन की मंशा है कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को विनियमित करने की तैयारी शुरू। जो हमारी प्री प्राइमरी कक्षाएं हैं, आपको मालूम है कि NEP 2019 के तहत जो शिक्षा की व्यवस्था है वो 5+3+3+4 कर दी गई है, यानी कि शुरुआत के जो पाँच जो है वर्ष हैं, पाँच कक्षाएं हैं, वो प्री प्राइमरी कक्षाओं के नाम से जानी जाएंगी, जिसमें जो है तीन कक्षाएं प्री प्राइमरी होंगी, बाकी जो दो कक्षाएं हैं कक्षा एक और दो, पांचों को मिलाकर वाल वाटिका का नाम जो है दिया जाएगा। तो प्री प्राइमरी कक्षाओं को विनियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री शिक्षक की भूमिका में आएंगी नज़र। तो बहुत ही खुशी की बात है, आइए हम आपको समाचार विस्तार से बताते हैं कि क्या समाचार है। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, मेरी आज छोटी सी वीडियो उन जो है लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री बहनों के घर में खुशियां लेकर आएंगी। प्री प्राइमरी कक्षाओं को विनियमित करने की तैयारी शुरू। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या आंगनबाड़ी कार्यकर्ती शिक्षक की भूमिका में आएंगी नज़र। नई शिक्षा नीति के तहत प्री प्राइमरी कक्षाओं को विनियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके तहत 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी कक्षाओं में शुरुआती पढ़ाई कराई जाएगी। यह अवसर स्कूलों के साथ आंगनबाड़ियों में भी प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को प्री प्राइमरी शिक्षक की भूमिका निभानी होगी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE ने आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों की शैक्षिक योग्यता के निर्धारण पर विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू कर दी है। NCTE की 29 सितंबर को हुई बैठक में, जिसके मिनट्स पिछले सप्ताह मंजूर हुए हैं, उसमें इस विषय पर चर्चा हुई। NCTE को यह जिम्मा सौंपा गया है कि वह आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता का निर्धारण करे तथा प्री प्राइमरी बच्चों की जरूरत के अनुसार एक प्रशिक्षण कोर्स तैयार करे, जिसका प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की देखभाल होती है, उनके पोषण आदि पर ध्यान दिया जाता है। इसी में उन्हें आवश्यक देखभाल के साथ साथ आरंभिक शिक्षा प्रदान करने की भी योजना है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी का अच्छा नेटवर्क है, इसलिए इनका बेहतर इस्तेमाल इस कार्य के लिए किया जाएगा। बता दें कि देश में 13.77 लाख आंगनबाड़ी केंद्र कार्य कर रहे हैं। NCTE की बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए शैक्षिक योग्यता को लेकर चर्चा हुई और यह निर्णय लिया गया कि सभी सदस्य इस बारे में और फीडबैक देंगे ताकि इस पर विस्तृत नियमावली तैयार की जा सके। माना जा रहा है कि अगली बैठक में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 5वीं पास है। अभी सभी कक्षाएं विनियमित नहीं, अभी प्री प्राइमरी कक्षाएं शहरी स्कूलों में ही संचालित होती हैं, लेकिन वह किसी नियम के तहत विनियमित नहीं है। नई शिक्षा नीति में उन्हें विनियमित करने की बात कही गई है, इसलिए यह भी हो सकता है कि भविष्य में उन्हें शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे में लाया जाए। अभी यह कानून 6 से 14 साल के बच्चों पर लागू होता है, लेकिन नई नीति में प्री प्राइमरी को भी स्कूल शिक्षा का हिस्सा बनाने का ऐलान किया गया है।
तो दोस्तों यह रहा जो है छोटा सा लेकिन मोटा समाचार जो हजारों लाखों घरों में खुशियां प्रदान करने वाला है। तो आशा करता हूं कि मेरी यह छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहिए। इस वीडियो में इतना ही मित्रों, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।